जैसे कोई मनुष्य किसी सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है, जो जागते हुए उसी की कल्पना और सोते में उसी के सपने देखता है, इस प्रकार निरंतर चिंतन से आसक्ति की नींव पर काम की भावना उभरने लगती है। काम या वासना में थोड़ी भी रुकावट आने से क्रोध का आगमन हो जाता है। जहां क्रोध है वहां सम्मोह अथवा अविचार अथवा अविवेक भी है। जिस प्रकार प्रचंड वायु के झोंके से दीपक की ज्योति बुझ जाती है, उसी प्रकार काम जनित अविवेक की आंधी से मनुष्य की स्मृति नष्ट हो जाती है। और जब स्मृति भ्रंश हो जाता है तब बुद्धि नाश में कितना समय लगता है पार्थ।